हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज गुड़गांव में बनाए जाने वाले एक ऐसे हाईवे की बात, एक ऐसी परियोजना की बात जिसकी मदद से दो एक्सप्रेसवे के बीच की कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी, और इसलिए ये हाईवे बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है गुड़गांव के लिए, क्योंकि ये ईस्ट में स्टार्ट होता है द्वारका एक्सप्रेसवे से और वेस्ट में ये कनेक्ट करता है केएमपी एक्सप्रेसवे, जिसे कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बीच की कनेक्टिविटी को बहुत आसान कर देगा। जहां पर फिलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या केएमपी एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने में आपको 1.5 घंटे लगते हैं, इसके बन जाने के बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप कनेक्ट कर जाएंगे केएमपी एक्सप्रेसवे को। केएमपी एक्सप्रेसवे या फिर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। आप पूछोगे कि ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे क्या है, तो ये जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है ना, इस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की मदद से आप एनसीआर के किसी भी कोने में जा सकते हो, और इस पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो वही जो द्वारका एक्सप्रेसवे है जो कि गुड़गांव और दिल्ली को कनेक्ट करता है, और इन दोनों बड़े एक्सप्रेसवे को आपस में ये जोड़ेगा, और आज इसी का काम देखने वाले हैं। और हम और आप जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इसके ईस्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हम और आप चलेंगे इस द्वारका एक्सप्रेसवे से टूवर्ड्स वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक, और देखेंगे कि कितना कुछ इस पे काम हुआ। जिस तरफ ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग वाले हिस्से पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर इसका कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हो चुका है भाई, और इसके आगे वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। वैसे यहां पर ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये है यहाँ पर अंडरपास। ये अंडरपास इसलिए बनाया गया है ताकि जब आप वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आएंगे और द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको कनेक्ट करना है, तो आप इस अंडरपास का इस्तेमाल करते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करके यहाँ से राइट लेंगे, आप जा सकते हैं गुड़गांव की तरफ, खिड़कीदौला की तरफ, और लेफ्ट लेंगे इस तरफ जाएंगे तो मेरे भाई आप जा सकते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये द्वारका एक्सप्रेसवे तो बनकर तैयार हो चुका है, और नज़ारा बहुत कमाल का है, क्योंकि अब सभी लेन इसके एक्टिव हो चुके हैं, ट्रैफिक मूवमेंट इस पर स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए ये नज़ारा कमाल का तो लगता ही है, और लगना भी चाहिए क्योंकि बहुत कमाल का यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाया है एनएचआई ने। वैसे ये जो हाईवे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी एनएचआई ही बना रही है, तो चलिए एनएचआई की एक और परियोजना को देखते हैं। वैसे अच्छी बात बताऊँ तो ये जो अंडरपास है ना, ये स्टार्ट भी हो चुका है जी। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करना है तो इस अंडरपास को कनेक्ट करते हुए सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर जाओगे और फिर आगे गुड़गांव को चले जाओगे। लेकिन हम और आप अंडरपास के जरिए अभी तो नहीं चलने वाले, हमें इधर चलना है, अंडरपास भी आपको दिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं, अभी तो चलिए जरा इस तरफ चलते हैं और देखते हैं कितना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। लेकिन भाई उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके एक सब्सक्राइब से ना बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है और बहुत हेल्प मिलता है, और सच बताऊं तो आपको भी मिलेगा ये मौका जानने का कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में बनाए जा रहे हैं और किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी देश की डेवलपमेंट में, किसी भी देश की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, और वही तो आपका भाई दिखाता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। चलो इसी के साथ चलते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके जब हम और आप आगे की तरफ चलेंगे टुवर्ड्स एक्सप्रेसवे की तरफ, जिसे कहते हैं पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, और जब हम और आप चलेंगे टुवर्ड्स सेक्टर 90, 95, 96, 97 की तरफ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो अलाइनमेंट है ये पूरी तरीके से नया है, ग्रीन फील्ड का पार्ट है, और इस ग्रीन फील्ड वाले हिस्से पे अभी फिलहाल निर्माण कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये हाईवे का पार्ट होने वाला है, इस वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करने में कंपनी को ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्लियर है, ठीक वैसा ही नजर आता है जैसा कि जनरली एनएचआई फॉलो कर रही है। यहाँ पर सर्विस रोड मिलेगा और मेन कैरेज वे मिलेगा, और उन दोनों के बीच में ड्रेनेज सिस्टम होगा। सामने
सामने यहाँ पर देखेंगे तो एक रोड है, जिस रोड को इसे क्रॉस करना है, तो इस वजह से इसका जो मेन कैरेज वे होगा यानी कि जो एक्सप्रेस लेन होगा, जिसकी मदद से इन दोनों एक्सप्रेस वे को आप बहुत ही कम वक्त में ट्रेवल कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक्सप्रेस लेन के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जा रहा है जो रोड है उसके ठीक पास, और पिलर कैप का भी काम यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहीं पर आपको दिखेगा कि इस रोड के दोनों तरफ जो रैंप का हिस्सा इसका होगा फ्लाईओवर का, उस पर अर्थवर्क का काम भी कर लिया है, और इनफैक्ट जो वॉल बनाने का काम है वो भी कर लिया है, और इसी तरफ ये आगे जा रहा है अलाइनमेंट जो कि पूरी तरीके से नया है। और इस अलाइनमेंट के आसपास जो सेक्टर्स है ना उसमें अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। इस हाईवे के बन जाने के बाद ना सेक्टर 92, 93, 81 इनसे ना कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर या फिर जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है जिस तरफ हम और आप जा रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना तो भाई सिग्नेचर ग्लोबल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त पे। वैसे भी दीनदयाल आवास योजना का जो स्कीम है वो ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई कि भाई सिग्नेचर ग्लोबल जिन्होंने अपना हाई राइज प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ना सेक्टर 37D में, ऑलमोस्ट वो सोल्ड आउट हो चुका है और अच्छा रिस्पॉन्स आया था उनको। तो इसी सिग्नेचर ग्लोबल के कुछ इंडिपेंडेंट फ्लोर अभी भी अवेलेबल है, वो भी दीनदयाल आवास योजना के अंदर, और वो अवेलेबल है सेक्टर 92 में, 93 में और 81 में, जो कि मुझे लगता है कि अप्रैल तक ना वो भी बचेंगे नहीं। और मुझे लगता है कि भाई 1 अप्रैल के बाद ना ये जो फ्लोर्स अवेलेबल है सेक्टर 92 में, 93 में, 81 में सिग्नेचर का, इसमें प्राइस भी जंप आने वाला है। अप्रॉक्स अगर मैं बताऊं तो 11 लाख के आसपास प्राइस बढ़ जाएगा अप्रैल में। तो इसलिए ये बेस्ट मौका है भाई, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना द्वारका एक्सप्रेस पे और उसके आसपास, तो फ़ोन कर दो इस दिए हुए नंबर पे, क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल के पास अभी दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत इंडिपेंडेंट फ्लोर अवेलेबल है भाई। तो बेस्ट है इस टाइम पे इन्वेस्ट करना, और वैसे भी द्वारका एक्सप्रेस वे और उसके आसपास इन्वेस्टमेंट इस वक्त पीक पे है भाई। और ये रोड जिसकी मदद से आप द्वारका एक्सप्रेस वे को तो कनेक्ट कर ही सकते हो, साथ ही साथ केएमपी को भी कनेक्ट कर सकते हो, और इसके आसपास अगर इन्वेस्टमेंट का ऑफर मिल रहा है तो भाई कर दो। तो इसीलिए ये नंबर दिया है, घुमा लेना फ़ोन, क्योंकि इस अपडेट को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई में कितना बड़ा गेम चेंजर है ये। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और रोड है, और इस रोड से भी आप जो सेक्टर्स है ना जो मैंने आपको बताए हैं सेक्टर 91, 92, इन सभी को आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। और इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पिलर निर्माण का जो कार्य है वो तो भाई कंप्लीट हो चुका है, पिलर कैप भी बनकर तैयार हो चुका है। अभी आई गर्डर्स की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जाएगा, और इसी तरफ ही आगे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जा रहा है, और हम और आप भी इसी तरफ जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर देखोगे तो सर्विस रोड भाई बन चुका है, जो मेन कैरेज में है ना उस पे अर्थवर्क का काम चल रहा है भाई। और तो और यहाँ पर आप ड्राइव भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर ड्राइव किया है, और सच बताऊं तो एक्सपीरियंस कमाल का है इस जगह पर ड्राइव करने का। वैसे अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस तेजी के साथ काम चल रहा है ना भाई, मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 महीनों में ना ये दोनों एक्सप्रेसवे को आप कनेक्ट कर सकते हो। मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे से स्टार्ट करोगे और सीधा केएमपी पे जाके कनेक्ट कर जाओगे 10-15 मिनट में, और उसके बाद इसके आसपास के जितने भी सेक्टर्स मैंने अभी आपको बताए हैं उसके प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई एक बार जब कनेक्टिविटी बढ़ी तो भाई मेरे फिर तो पैसा बढ़ना ही है प्रॉपर्टी का, जैसा द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो रहा है। और द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिंग ये हाईवे है तो भाई इस पे भी प्राइस बढ़ेगा ही, और द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके आसपास तो वैसे भी सबसे ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पर एक और ये रोड है, इस रोड पे अभी फिलहाल देखेंगे तो कुछ पेड़ है जिनको कि रीप्लांट करना है। यहाँ से एक्चुअली इसको काटेंगे नहीं, इसको यहाँ से शिफ्ट करके किसी और जगह पर प्लांट करेंगे, इसी वजह से यहाँ पर आपको ये पेड़ दिख रहे हैं। जैसे ही एक बार फाइनल हो जाए कि किस जगह पर इसे लगाना है तो यहाँ पर ये पेड़ हटा दिए जाएंगे, काटती नहीं है आजकल लेने चाहिए पेड़। द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी तकरीबन 2000 से ज़्यादा पेड़ इन्होंने रीप्लांट किए थे जब द्वारका एक्सप्रेसवे बना रहे थे, तो काटा नहीं था, ये नेचर की अच्छी बात है। और जैसे इस रोड को क्रॉस कर जाओगे तो उसके बाद तो भाई हाईवे का पार्ट होने वाला है, जहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो हाईवे का पार्ट है मेरे भाई ये बनकर तैयार हो चुका है, और इस जगह पर आपको बहुत ही क्लियरली
मेन कैरेज में भी दिखेगा, यानी कि एक्सप्रेस लेन भी दिखेगा और साथ ही साथ आपको सर्विस रोड भी दिखेगा जिस पे आप ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जरा इस पे। वैसे आप पूछोगे कि भाई ये कितने लेन का बनाया जा रहा है ये जो हाईवे है, तो भाई ये बनाया जा रहा है 10 लेन का। अभी फिलहाल आपको 10 लेन मिलेंगे, 5 लेन ईस्ट साइड, 3 लेन का मेन कैरेज में होगा, 2 लेन का सर्विस रोड। लेकिन भविष्य में इस पे लेन डबल भी किए जा सकते हैं जी, और इसी वजह से NHAI ने यहाँ पर एक्स्ट्रा लैंड एक्वायर करके रखा है। तो मतलब अगर आपको अभी 5 लेन ईस्ट साइड मिल रहा है तो भविष्य में इसको 10 लेन ईस्ट साइड भी कर सकते हैं। और एक्चुअली में यहाँ पर जो लेन ऐड होगा ना वो सर्विस लेन वाले हिस्से पे होगा, यानी कि मेन कैरेज में जो 3 लेन का आप देख रहे हो इस पे तो कोई ऐड ऑन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सर्विस रोड पे ऐड ऑन किया जा सकता है। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ड्रेनेज सिस्टम ना सर्विस रोड और मेन कैरेज के बीच में बनाया है, लास्ट में नहीं बनाया, ताकि लास्ट में सर्विस रोड के बाजू में अगर बनाते तो ड्रेनेज सिस्टम को हटाना पड़ता। वो इसलिए नहीं बनाया कि कल को कभी भी फ्यूचर में अगर इस पे लेन ऐड करना हो तो आसानी से कर सके। जी हाँ, तो चलो और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस पे कितना कुछ काम हुआ है। इस जगह पर ये जो रोड आप देख रहे हैं ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रोड की मदद से आप अगर सेक्टर 91 को जाना चाहते हैं, 92 को जाना चाहते हैं तो आसानी से जा सकते हैं, और इस रोड से भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हो इस हाईवे के ऊपर जो कि बनाया जा रहा है, यानी कि ये जो पटौदी हाईवे है। और एक्चुअली में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस रोड पे यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो कंटेनर डिपो भी आपको दिख रहा है, और इस जगह पर इस रोड को क्रॉस भी करना तो यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, अंडरपास बनाया जाएगा। और इस जगह पर इसी रोड का एक और जो हिस्सा है उस जगह पर अगर आप देखेंगे तो पिलर बनकर तैयार भी हो चुका है मेरे भाई, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है आई गर्डर्स की मदद से वो कर दिया जा चुका है। यहाँ पर अब फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है, और यही सबसे मेजर है रोड जो कि बहुत सारी जगहों से आपको कनेक्ट करेगा और बहुत सारे सेक्टरों से भी। और इस रोड के बाद जब हम और आप आगे चलेंगे तो फिर आपको अगेन इसका जो रैम का हिस्सा है वह दिखेगा जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि जो फ्लाईओवर का रैम का हिस्सा है, और फिर आपको सर्विस रोड भी दिखेगा। द्वारका एक्सप्रेस वे जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया उसके बाद अगर आप आओगे ना तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण रोड है जो कि पटौदी रोड से स्टार्ट होता है और फारूक नगर को जाता है और वजीरपुर को भी जाता है। और इस जगह पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस हाईवे के दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो पिलर निर्माण का जो कार्य है वो कंप्लीट कर लिया जा चुका है। इस तरफ भी देखोगे, इस तरफ लेफ्ट जाओगे तो पटौदी रोड आ जाएगा, और इस तरफ का ये जो हिस्सा देख रहे हो इसी तरफ से हम और आप होते हुए आए हैं। यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो पिलर बनकर तैयार हो चुका है, यहाँ पर पिलर कैप का काम हो चुका है। राइट हैंड साइड में यानी कि टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर पिलर निर्माण का जो कार्य है वो तो कंप्लीट हो चुका है, पियर कैप का काम यहाँ पर चल रहा है, यानी कि पिलर कैप का जो काम है पिलर को टी शेप में लाने का वो किया जा रहा है। कुछ इस तरीके का हो जाएगा बनकर जब पिलर कैप का काम कंप्लीट हो जाएगा तो। और जैसे ही पिलर कैप बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर देखा ना आई गर्डर्स जो डाल दिए पिलर्स के ऊपर वो कर दिया जाएगा,
और यही इसी तरफ लेफ्ट हम और आप चलने वाले हैं। यहाँ से लेफ्ट लेते ही हम और आप पटौदी रोड पर कनेक्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ ये जो रोड है ना और साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ये भी पटौदी रोड पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसी तरफ तो ये जा रहा है। और इसके बाद ये हिस्सा हो जाता है ब्राउन फील्ड का, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पटौदी रोड है भाई उसी में जाकर ना ये मिल जाएगा और फिर लेन ऐड करने का जो काम है वो किया जाएगा और बहुत बिजी रोड होने वाला है ये जी। चलिए चलते हैं। इसके बाद जो होता है ये पटौदी जो रोड है ना इसी में लेन ऐड कर रहे हैं टिल जो केएमपी एक्सप्रेसवे है वहां तक, तकरीबन 3 किलोमीटर का ये हिस्सा है। इस 3 किलोमीटर हिस्से पे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जगहों पे जो पुराना पटौदी रोड है उसी में लेन ऐड कर रहे हैं, ये ब्राउन फील्ड का पार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी आपको सर्विस रोड मिलेगा और मेन कैरेज वे मिलेगा लेकिन ज्यादातर जगहों पर यह हाईवे का पार्ट है, तो इसी वजह से आपको देखेगा कि ये जो हिस्सा है ये लगभग सभी जगहों पर बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर मेजर काम देखने को मिलेगा तो इस जगह पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है और यहाँ से सिर्फ आप 1 किलोमीटर जाएंगे इस तरफ तो आप कनेक्ट कर जाएंगे IMT मानेसर को और इसी वजह से यहाँ पर आपको बड़े बड़े व्हीकल्स जो हैं कॉमर्शियल व्हीकल हेवी व्हीकल्स वो दिख रहे हैं क्योंकि IMT मानेसर यहाँ से बहुत पास में है, तो इसी वजह से इस रोड को क्रॉस करने के लिए हाईवे के ऊपर पिलर बनाया गया है जिसकी मदद से हम और आप आसानी से इस हाईवे से क्रॉस करते हुए इस रोड को आगे की तरफ जा सके। और यहाँ पर अगर देखेंगे लगभग जो एलिवेटेड पार्ट है उस पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट होने को है और इस जगह पर पिलर तो बन ही चुका है भाई, पिलर को कनेक्ट करने का काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। वैसे ये जो पटौदी रोड बनाया जा रहा है मेरे भाई ये 10 लेन का होने वाला है, 3 लेन का होगा मेन कैरेज वे और 2 लेन का होगा सर्विस रोड और एक्सेस कंट्रोल पूरी तरीके से होगा और इसी वजह से बीच में यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी दिया गया है। ये ड्रेनेज सिस्टम है ताकि यहाँ पर जो दोनों यानी कि ये जो मेन कैरेज वे देख रहे हो और सर्विस रोड, इन दोनों का पानी इसी में आएगा और इसको बीच में देने से फ़ायदा ये होगा कि एक्सेस कंट्रोल हो गया, मतलब सर्विस रोड का जो ट्रैफिक है वो मेन कैरेज वे पर नहीं आ सकता और मेन कैरेज वे का सर्विस रोड पर नहीं, तो हो गया ना एक्सेस कंट्रोल। ये जहाँ पर एक्सेस पॉइंट दिया होगा वहीं से लोग अपने व्हीकल को लेकर एंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं जी। तो इस तरफ का हिस्सा तो आपको दिखाई दिया, अब जरा इस तरफ का आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ये बनाया जा रहा है वेस्ट एंड पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास। चलिए चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है KMP एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज और इसी इंटरचेंज की मदद से आप NCR के किसी भी कोने में जा सकते हैं और इस KMP एक्सप्रेसवे की मदद से आप NCR के किसी कोने में तो जा ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट कर जाएंगे। जी हाँ, KMP एक्सप्रेसवे पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा इंटरचेंज है, तो आप यहाँ से दिल्ली से मुंबई भी जा सकते हो भाई। KMP एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया और आगे जाकर यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर बाद आप कनेक्ट कर जाओगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे और फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करके फिर भाई आप जहाँ जाना चाहते हो जाओ, यानी कि आप राजस्थान जाना चाहते हो तो राजस्थान जाओ, मध्य प्रदेश जाना है तो मध्य प्रदेश जाओ, गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ जी, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इन सभी जगहों से होकर निकल रहा है ना, तो यहाँ से आप KMP एक्सप्रेसवे की मदद से मुंबई तक भी जा सकते हो। अब KMP एक्सप्रेसवे के पास अगर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करो ना तो अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है इस हाईवे वाले पार्ट पे कंप्लीट हो चुका है जी। यहाँ पर क्योंकि हाईवे का ही पार्ट होने वाला है इस पटौदी रोड के ऊपर, इसी वजह से यहाँ पर लगभग जो कंस्ट्रक्शन का काम हो कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर यहाँ पर लेन बनाने का काम हो। अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो लेन मार्किंग का काम है और ये हाईवे का पार्ट इसलिए ताकि आप आसानी से ना KMP एक्सप्रेसवे से, जिसे कि पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते हैं, इससे कनेक्ट कर सकें इस पटौदी हाईवे पे। और जब आप इस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके आगे जाओगे फारूक नगर की तरफ, आगे जाओगे मेट सिटी की तरफ, तो भाई आपको देखेगा कि यहाँ पर भी ज़्यादातर हाईवे का पार्ट है, जिस हाईवे के पार्ट पे लगभग कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कंप्लीट होने को है। तो
आज जो भाई इस हाईवे का मैंने आपको काम दिखाया है, जो कि पटौदी रोड के ऊपर बनाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसकी मदद से आप द्वारका एक्सप्रेसवे से इस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या फिर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर पाओगे और सिर्फ 10-15 मिनट में वेस्टर्न से द्वारका पे आ जाओ और द्वारका से भाई वेस्टर्न पे आ जाओ और फिर द्वारका एक्सप्रेसवे की मदद से आप एयरपोर्ट तो जा ही सकते हो, गुड़गांव भी जा सकते हो और ये जो इस तरफ ये जो देख रहे हो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इसकी मदद से तो भाई एनसीआर जा ही सकते हो और उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी जा सकते हो और साथ ही साथ इसी केएमपी एक्सप्रेसवे की मदद से आप जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बनाया जाना है उस पर कनेक्ट करोगे, क्योंकि इसी केएमपी एक्सप्रेसवे से स्टार्ट हो रहा है। इस तरफ जब हमारा आप चलेंगे ना तो उस पर आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मतलब ये जो हाईवे है, ये हाईवे का लेंथ बेसिकली बहुत छोटा हो लेकिन ये जो कनेक्ट कर रहा है ना दो एक्सप्रेसवे को, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और सच बताऊं तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो भाई ये बेस्ट मौका है, इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन बताया है जो कि सेक्टर 92, 93 और 81 में है सिग्नेचर के पास, क्योंकि इन सभी सेक्टर से कनेक्ट करना, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए ये सही टाइम है भाई सेक्टर 92, 93 और 81 में इन्वेस्ट करने का और इसीलिए मैंने आपको सिग्नेचर ग्लोबल का ये ऑप्शन बताया है। इसलिए भाई इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर लो, क्योंकि वैसे भी दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत अब फ्लैट्स आ नहीं रहे लेकिन इनके पास है अभी अवेलेबल, तो भाई मौके का फ़ायदा उठाओ और कॉल कर दो। तो चलो इसी नोट के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस महत्वपूर्ण हाईवे का आपको अपडेट जरूर देखने को मिलेगा और मैं हर एक महीने में इसका अपडेट दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है इस पूरे जगह के लिए और इस हाईवे को देखना तो बनता ही है भाई। तो चलो इसी के साथ आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।